अष्टावक्र गीता अध्याय 4 तीसरा श्लोक। जनक कहते हैं, जिस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे धुएं ने आकाश को धूमिल कर दिया है, किंतु वास्तव में धुएं से आकाश का संयोग नहीं होता, धुआं आकाश को स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो आत्मज्ञानी है, जो मुक्त है, वह भीतर से पाप और पुण्य दोनों से सर्वथा अस्पर्शित रहता है। जब हम आसमान को देखते हैं तो देखने पर प्रतीत तो ऐसा ही होता है जैसे कि धुएं ने आकाश को ढक लिया हो, आकाश को मेला कर दिया हो, गंदा कर दिया हो, धूमिल कर दिया हो। परंतु तथ्य तो यही है कि धुआं और आकाश का कभी संयोग ही नहीं होता है। जैसे प्रकाश और अंधकार का कभी संयोग नहीं होता, दोनों कभी नहीं मिलते। प्रकाश है तो अंधकार हो नहीं सकता। उसी प्रकार जो आत्मज्ञानी होता है, जो मुक्त हो चुका होता है, या कहो जिसने जान लिया कि वह मुक्त ही है, सारे बंधन, सारी सीमाएं बस उसकी झूठी मान्यताएं हैं, उसके संस्कार हैं, जब ये जान लिया कि सारे भेद, सारे बंधन, सारी सीमाएं सब संस्कारों से, मान्यताओं से, अज्ञान से आ रहे हैं, तो वह मुक्त हो जाता है। और जो मुक्त है, जो आत्मस्थ हो गया, माने स्वयं में स्थापित हो गया, वह भी चूंकि रहता तो समाज में ही है, संसार में ही है, उसके पास भी शरीर है, तो बाहर से वो भी ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे वह भी संसारी है, जैसे वह भी सामाजिक हो गया है। और चूंकि वो मुक्त है तो उसके लिए फिर उन सब बातों के अर्थ बदल जाते हैं जो आज तक थे। जिसे आप पाप कहते हो सकता है उसके लिए वो पाप नहीं, एक छोटी सी बात हो बस। जिसे आप पुण्य कहते हो सकता है उसके लिए वो पुण्य जैसी कोई बात ही ना हो, तो वो सब कुछ करेगा। चौथे अध्याय के प्रथम सूत्र में ही हमने बात की थी कि उसके लिए जगत फिर लीला हो जाता है और संसारी के लिए जगत ही बोझ हो जाता है। तो जो मुक्त हो गया है उसके लिए फिर जगत लीला हो गया, और जिसके लिए जगत लीला हो गया माने वो जगत को बहुत हल्के में ले रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके सिर पर चढ़कर बैठ जाए, जो सर से ना उतरे माया कहिए सोए। कुछ भी नहीं है जो उसके लिए महत्वपूर्ण है अब, जो उसके सर पर चढ़कर बैठा हो, सबके प्रति वो सहज हो गया है। तो एक आम संसारी को वो कैसा प्रतीत होगा, जैसे ये व्यक्ति तो पाप में लिप्त हो गया है। मगर जनक कह रहे हैं कि जो आत्मस्थ हो गया है उसे तो पाप और पुण्य छू भी नहीं पाते, वो उनसे अनछुआ ही रहता है। तुम जिसे पाप कहते हो उसे पाप भी क्यों कहते हो, और जिसे पुण्य कहते हो उसे भी पुण्य क्यों कहते हो? ये भेद करते ही क्यों हो? ये भी तुम इसलिए नहीं कर रहे हो, एक सरल सहज होकर के नहीं कर रहे हो, किसी पवित्र मन से ये भेद नहीं आ रहे हैं। भेद वो करता है जिसे जगत से कोई अपेक्षा होती है, जिसे कुछ पाना होता है। पाप और पुण्य दोनों में छिपा हुआ है आपका स्वार्थ। पुण्य करने का आपको कोई शौक नहीं है। आप पैसों के पीछे दौड़ते हो ना, तो क्या आप पैसे मुफ्त में किसी को दे दोगे
इतने बड़े दानी हो जाओगे? जो एक रुपया नहीं छोड़ता वो हजारों लाखों का दान कैसे दे देगा? क्योंकि वहां उस पुण्य करने में छिपा हुआ है स्वार्थ। आप पुण्य भी करते हो तो सिर्फ किसी स्वार्थ से कि ऐसा करूंगा तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मंदिर में जाकर 50 रुपये 100 रुपये की रिश्वत देते हो ना, नारियल चढ़ाते हो ना, क्या कहते हो अगली बार जब नौकरी लग गई तो 50,000 रुपये की कथा कराऊंगा, भंडारा कराऊंगा, अभी 50 रुपये चढ़ा कर जा रहा हूं, रिश्वत दे रहे हो। मगर तुम अपनी मूर्खता को भी नहीं देखते कि अगर वो तुम्हें 50,000 दे सकता है तो उसे 50 रुपये की जरूरत क्या है, इतने भी क्यों चढ़ाऊं? पर चढ़ाते हो, फिर मूर्ख कैसे कहलाएंगे हम? तो तुम जहां पुण्य भी कर रहे हो वहां भी तुम्हारे स्वार्थ है और इसीलिए तुम उसको पुण्य कह रहे हो। और पाप भी तुम नहीं करते, पाप से भी तुम बचते हो, इसलिए नहीं कि तुम वो करना नहीं चाहते, तुम बचते हो भय के कारण कि कहीं ये पाप कर दिया तो कोई सजा मिलेगी या जो कामना है वो पूरी नहीं होगी। तो चाहे तुम पाप नहीं कर रहे हो वहां भी तुम्हारा डर है, तुम्हारी कामना है, और पुण्य कर रहे हो वहां भी तुम्हारी कोई कामना है या कोई डर है कि अगर ऐसा पुण्य नहीं किया तो सजा मिलेगी। सिर्फ इसलिए तुम पाप और पुण्य के खेल में फंसे रहते हो। मगर आत्मज्ञानी होने का अर्थ ही यह है कि मैं पूर्ण हूं, और जब मैं पूर्ण हूं तो संसार से कोई अपेक्षा क्या रखनी? जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे पूर्णता दे सके, जो मुझे मुक्ति दे सके, उसी को आत्मा कहते हैं। कि जगत में कुछ भी तो ऐसा नहीं जो मुझे आत्मा दे दे, माने मुझे तृप्त कर दे। कितना ही पालूं, कुछ भी पालूं, उससे तृप्ति नहीं मिलेगी। जिसने ऐसा जान लिया फिर क्या वो जगत से कोई अपेक्षा करेगा? फिर क्या उसके लिए कोई पाप रह जाएगा कि 50 रुपये नहीं चढ़ाए मंदिर में, पंडित जी ने कहा है तो मनोकामना पूरी नहीं होगी? वो कहेगा बाहर में जाए, उसको थोड़ी ना 50,000 चाहिए। अगर वो 50 रुपये चढ़ा भी रहा है ये मत समझ लेना कि वो दान नहीं देगा, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। तो अब देखो वो अगर दान दे रहा है तो हमको क्या लगेगा कि ये भी तो हमारे जैसे दान दे रहा है, मतलब इसकी भी कोई कामना होगी, मतलब ये भी पुण्य कर रहा है? नहीं, उसको लगता है कि मेरे पास हैं और दे देने चाहिए तो दे देगा। सही उसको लगेगा जहां पर उचित वहां दे देगा। तो प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है कि वो भी एक आम व्यक्ति की तरह ही दे रहा है, मगर नहीं, अंदर से भीतर से वो किसी भी तरह के पाप पुण्य से अस्पृश्य है, अनछुआ है कोई। और पाप एक ही है, क्या ये अपेक्षा करना कि जगत से कुछ पालूंगा तो तृप्ति मिल जाएगी, पूर्णता मिल जाएगी। देखो ना इतने तो लोग हैं आसपास, इतने जिनके जैसा तुम बनना चाहते हो उनसे भी आगे के लोग हैं, उनको तृप्ति मिल गई क्या? मगर जो आत्मस्थ हो चुका है, हो सकता है वो बड़ा राजा हो, राजा जनक जैसा, तो वो महल छोड़कर नहीं भाग जाएगा, उसके पास जो कुछ भी है उसका वो सदुपयोग करेगा। पर चूंकि वो महल में रह रहा है तो आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये भी देखो भोगी है, देखो सारी जनता प्रजा तो पैदल चलती है और ये रथ में बैठकर चलता है, तो ये तो आत्मस्थ हो ही नहीं सकता। ये आपकी मान्यता है, ये आपके अज्ञान से उपजी हुई परिभाषाएं हैं, आपको कुछ नहीं पता और आप कह रहे हैं कि एक आत्मज्ञानी कैसा होना चाहिए। बड़ी हंसी आती है जब ऐसे लोग कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं। खुद ज्ञान लेने आए हैं और जो बात कर रहा है उसको सही या गलत ठहरा रहे हैं। अरे भैया, तुम अगर इतना समझते ही होते तो यहां काहे को आते? कुछ तुम्हें नहीं समझ आ रहा था तभी तो किसी को सुन रहे हो, किसी को पढ़ रहे हो। तो उसमें गलतियां निकालने से पहले ये देखो कि मुझे किसी की बात सही क्यों लग रही है और किसी की बात मुझे गलत क्यों लग रही है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कोई मान्यता टूट रही है, मेरा कोई स्वार्थ टूट रहा है उसकी बात से, इसलिए मैं उसको गलत कह रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सदियों से हम परंपरा चलाते आ रहे हैं पुण्य के नाम पर, ये तो उसी को तोड़ रहा है, मतलब ये पाप कर रहा है, इसलिए ये गलत है? तो आत्मस्थ व्यक्ति तो तुम्हें पापी भी लग सकता है, मगर वो पापी है नहीं। वो समाज में रहता है मगर वो सामाजिक नहीं है, संसार में रहता है मगर संसारी नहीं है। और संसारी नहीं होने का अर्थ है कि वो तुम्हारी मान्यताओं, तुम्हारी परंपराओं, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। तो जनक कह रहे हैं कि जिस प्रकार धुआं आकाश को ना काला कर सकता है, ना कोई सफेद बादल उसे गोरा कर सकता है, आकाश तो अनछुआ ही रहता है, अस्पृशित ही रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति भी पाप और पुण्य से अस्पृश्य ही रहता है, पाप और पुण्य उसको स्पर्श भी नहीं करते। तुम बदलते हो, पाप और पुण्य की तुम्हारी परिभाषा बदल जाती है। तुम बदलते हो तो अमीरी गरीबी की परिभाषा बदल जाती है। एक अपने को जैन कहता है तो उसके लिए जीव की हत्या करना पाप है, और अपने आप को एक मुस्लिम कहता है तो उसके लिए जीव की गर्दन काटना पुण्य का काम है। मगर ये सब कुछ अगर अहंकार से आ रहा है, अज्ञान से आ रहा है, तो जिसे आप पुण्य कह रहे हो वह भी पुण्य नहीं है, और जिसे आप पाप कह रहे हो वह भी पाप नहीं है। एक ही समस्या है, वो है कि तुम जानते ही नहीं कि तुम कर क्या रहे हो, बस करते जा रहे हो और कर्ता स्वयं को मानते हो। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे अंधविश्वास तुमसे सब करा रहे हैं। लेकिन ये बात सुनकर के ये मत कह देना तो ठीक है, फिर जो कर रहे हैं करते रहें, जो कर रहे हैं वो करते रहोगे तो दुख भी भोगोगे, करता हो तो कर्म फल से कैसे बचोगे? अगर अंगुली माल नहीं होता तो क्या वो भिक्खू बन पाता? नहीं, वो अंगुली माल था अज्ञान में, अबोध में। और ऐसे बहुत सारे भिक्खू भी होंगे, या बुद्ध के बाद बहुत सारे ऐसे बने होंगे जो बस ऐसे ही बन गए। तो कोई अज्ञान में, अबोध में डाकू बन गया, इससे वो पापी नहीं हो जाता। और कोई अज्ञान में, अबोध में भिक्खू बन गया, इससे वो पुण्यात्मा नहीं हो जाता। जैसे जानवर, जैसे एक छोटा बच्चा, अब छोटा बच्चा है, उसने कुछ कर दिया, हमारे जो कानून होते हैं उनमें भी हम सजा देते हैं क्या उनको? नहीं देते ना, क्योंकि वो अबोध है। एक पशु है, शेर ने हिरण को खा लिया, आप नहीं कह सकते कि उसने हिंसा की, क्योंकि वो उसकी प्रकृति है, ऐसा वो है, और कोई उसके पास विकल्प नहीं। एक कुत्ते ने एक इंसान को काट लिया, वो क्या करे, वो कुत्ता है, तो ये नहीं कहोगे कि उसने पाप किया। उसी तरह एक मनुष्य भी अगर अपने अज्ञान में ये सब कुछ कर रहा है तो वह पाप पुण्य कुछ नहीं है। ये आत्मस्थ व्यक्ति की दृष्टि है, ये ज्ञानी की दृष्टि है। ज्ञानी इस तरह से देख रहा है जगत को, उसके सामने कोई आया, बुद्ध के सामने अंगुली माल आया, तो बुद्ध उसको पापी कह करके छी नहीं करेंगे, उससे दूर नहीं भाग जाएंगे, ये डरकर उससे इसलिए नहीं भाग जाएंगे कि ये कहीं इसको देखकर, इसके पास आकर इसकी छाया अगर मुझ पर पड़ गई तो कहीं मैं पापी ना हो जाऊं। हाँ, देह की रक्षा के लिए वो हो सकता कुछ उपाय करें, वैसे ही जाकर उसके सामने नहीं खड़े हो जाएंगे। कहानियां भले ही कहती हैं, पर वो डाकू है अज्ञान में, बुद्ध इस तरह उसे देखेंगे, उसके भ्रम हैं संसार के संबंध में, जीवन के संबंध में, इसलिए वो ऐसा हो गया है। एक कुत्ते को भौंकने पर कोई बुद्ध पुरुष उस पर लठ नहीं चलाएगा,
क्योंकि वो जानता है, वो समझता है कि ये कुत्ता है बेचारा, वो और क्या कर सकता है। पर हम तो ऐसे नहीं देखते ना, कोई अगर कुछ कर रहा है ऐसा जिसे समाज पाप कहता है तो हम उसे पापी ठहरा देते हैं। हम ये देख भी नहीं पाते कि उसके कर्म आ कहाँ से रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहा है, जैसे भी जी रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों जी रहा है। तो इस तरह से जो आत्मस्थ है, जो ज्ञानी है, उसके लिए उसको पाप और पुण्य छू नहीं पाते। क्योंकि एक तो हमने कहा कि जिसे आप पाप कहते हो, जिसे आप पुण्य कहते हो, वहां स्वार्थ है, वहां अपेक्षा है, वहां कोई कामना है, वहां भय है, बस इसीलिए आप उसे पाप और पुण्य कहते हैं। अन्यथा जिसे आप पाप कहते हैं ना, अगर आपको दिख जाए कि उसको करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी कोई कामना पूर्ति में बाधा नहीं आएगी, आप पर कोई पाप नहीं लगेगा, आपको संसार में भी कोई सजा नहीं मिलेगी, तो आप वो सारे कृत्य करेंगे जिन्हें आप पाप कहते हैं। देखो ना, ईद पर करोड़ों की संख्या में जानवर की हत्या होती है। क्यों? क्योंकि आप उसे पाप कहते ही नहीं, आप उसे पुण्य समझते हैं, पुण्य का नाम देते हैं। ऐसे ही इधर बलियां चढ़ती हैं मंदिरों में, क्योंकि आप ये मानते हैं कि ऐसा करने से कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पाप और पुण्य की परिभाषाएं तो यूं ही बदल जाती हैं। आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो जो लाख कमाता है आप उसको अमीर कह देते हैं, और जब आप 10 लाख कमाओगे तब जो लाख कमाता है वही आपके लिए गरीब हो जाता है। आप बदले कि आपकी परिभाषाएं बदली। और आत्मज्ञानी वो जो ये समझ जाता है, और इन सारी मूर्खताओं से फिर वो बाहर हो जाता है और एक सहज जीवन जीता है, पाप पुण्य से मुक्त। आकाश है, आकाश में ही सब कुछ समाया हुआ है ना, चाहे ये गिलास हो, चाहे ये घर हो, चाहे ये देश हो, चाहे ये पृथ्वी हो, आकाश में ही तो है ना। तो आकाश में सब कुछ है, मगर आकाश क्या किसी से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। और कुछ भी ऐसा नहीं जो आकाश को गंदा कर सके, आकाश को स्पर्श भी कर सके, नहीं। तो आत्मस्थ व्यक्ति आकाश की भांति होता है, वह किसी से भी जुड़ता नहीं है, किसी से नहीं चिपकता, न किसी नाम से, न किसी पहचान से, न धर्म, न जाति, न संप्रदाय, न देश, न लिंग, न अमीरी गरीबी, न पाप पुण्य, न सुंदर कुरूप, किसी से नहीं चिपकता, किसी से नहीं जुड़ता। क्योंकि किसी से जुड़ जाने का अर्थ ही होता है स्वयं को सीमित करना, और जितना अधिक आप जुड़ते जाते हो उतने सीमित होते जाते हो। हमको लगता है ज्यादा चीजों से जुड़ेंगे तो हम ज्यादा बड़े हो जाएंगे, नहीं, खेल ही दूसरा है। आप जितनी ज्यादा चीजों से जुड़ते जाएंगे, जितनी ज्यादा पहचाने, जितने ज्यादा नाम खड़े करते जाएंगे अपने, आप उतने छोटे होते जाएंगे। ये खेल ही अलग है। हमने